नूह में हुई हिंसा के बाद पूरे हरियाणा में तनाव बना हुआ है। हरियाणा के 9 जिलों में ऐतिहासिक धारा 144 लागू कर दी गई है। हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जिस तरह से पत्थर इकट्ठे किए गए थे और गोलियां चलाई गई थी, उससे यह साबित होता है कि यात्रा पर हमला अचानक नहीं हुआ है, इसकी तैयारियां पहले से ही की गई थी। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने माना है कि गृह विभाग के पास घटना को लेकर कोई इनपुट नहीं थे। नूह में जो हुआ वो एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ शोभा यात्रा पर हमला किया गया, उससे देश के लोगों में आक्रोश की भावना पैदा हो गई है। यह गुस्सा अब सोशल मीडिया पर निकल रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के नूह में जो हुआ उसका समाधान सीएम योगी ही कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग नूह में भी योगी मॉडल लागू करने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट पर मेवात मांगे बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नूह को पहले मेवात ही कहा जाता था। घटना के बाद सोशल मीडिया पर सीएम योगी के 2 बयान वायरल हो रहे हैं। एक बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हिंदू दंगे नहीं करते हैं। देश के अंदर जहां कहीं भी दंगे होते हैं उसकी 3 श्रेणियां होती हैं। जो पहली श्रेणी है उसमें 10-20% तक की मुस्लिम आबादी होती है। दूसरी श्रेणी में 20-35% तक की मुस्लिम आबादी होती है और तीसरी श्रेणी में 35% से ऊपर तक की मुस्लिम आबादी होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अनुसार जिस इलाके में 10-20% की मुस्लिम आबादी होती है वहां पर छिटपुट सांप्रदायिक झड़पें होती हैं, लेकिन जिस इलाकों में 20-35% तक की मुस्लिम आबादी होती है वहां भीषण दंगे होते हैं। जहां पर 35% से अलग की मुस्लिम आबादी होती है वहां पर गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है।